सतनाम वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। ए मन मेरिया आवागौन संसार है, अंत सच निबेड़ा राम। आपे सच्चा बखस लए, फिर हुए ना फेरा राम। ए मन मेरिया आवागौन संसार है, अंत सच निबेड़ा राम। आपे सच्चा बखस लए, फिर होए ना फेरा राम। फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरमुख मिला वडियाई, साचे रंग राते सहजे माते। सहजे रहे समाई, सच्चा मन पाया सच वसाया। शब्द रते अंत निबेरा, नानक नाम रते से सच समाने। बहुर ना पवजल फेरा, सच्चा मन पाया सच वसाया। शब्द रते अंत निबेरा, नानक नाम रते से सच समाने। बहुर ना पवजल फेरा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान अते सत्कार योग सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप जी समुचे ही गुरमुख माई भाई सत संगी नेमी प्रेमी सजन, दूरों नेड़ियों चल करके तन तन श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे दर्शन दीदारे अते इशनान करन दे लई बहुत शरदा भावना दे नाल एकत्र होए हो। जिथे अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने प्रकाशवान हो करके सानू दर्शन दीदार बख्शना कीते।
उत्थे नाल ही समुची मानवता दे लई सांझा उपदेश श्री मुख वाक हुक्मनामा साहिब दे राही सानू बख्शिश कीता है। रोजाना दे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो आए हुए श्री मुख वाक हुक्मनामा साहिब जी की कथा विचार आप जी समूह गुरमुख माई भाई गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे एकत्र हो करके निजम दे नाल शरदा भावना दे संयुगत हो करके श्रवण करदे हो। अज दा जो श्री मुख वाक सतगुरु पातशाह ने सानू बख्शना कीता है सो आओ कुछ को समय वास्ते अपनिया मन बिरतियां नू करिए एकागर। सतगुरु गुरु नानक साहिब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाम बाणी रूप चरणा दा ध्यान रख करके रसना नू करो पवित्र प्यार सत्कार दे नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। वड हंस महला तीजा। सतगुरु गरीब नवाज अंतर जामी धन श्री गुरु अमरदास महाराज अज दा ए पावन श्री मुख वाक सानू तमाम जीवां नू बख्शिश कर रहे हन। शब्द दी आरंभता दे विच वचन अंकित कीते हन बड हंस महला तीजा। बड हंस राग दा नाम है। महले दा अर्थ है पातशाह अते स्वरूप। धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक साहिब जी दे तीसरे स्वरूप ए साडी झोली विच पावन शब्द पा रहे हन। अज दा पावन श्री मुख वाक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 571 अते 72 अंग दे उपर सुभायमान है। आरंभ वाली पंक्ति दे अंदर सतगुरु पातशाह दे वचन हन। ए मन मेरिया आवा गौन संसार है। जीवां दे ताई सतगुरु पातशाह जी ने इस जगत दी दुनिया दी हालत बयान कीती है। सानू समस्ती जीवां नू उपदेश देण दे लई किन्ने प्यार वाले बचन गुरु अमरदास महाराज उचार दे हन। संगत जी तीन प्रकार दे बखते मन्ने हन। सब तो पहला हुंदा उत्तम बखता जेड़ा अपने मन नू संबोधन करके समुची सृष्टि लुकाई नू उपदेश देना करे। दूसरे नंबर ते होया करदा मध्यम बखता जेड़ा दूसरे नू संबोधन करे दूसरे दा नाम लेके उनू समझाण दी कोशिश करे इनू मध्यम बखता कहिंदे ने। तीसरे नंबर ते हुंदा है कनिष्ठ बखता जे कोई बार बार कहण ते भी ना समझना करे फिर उनू ताड़ के घूर के चंगी तरह उपदेश देवे ताके ए जीव दा भला हो जावे। सतगुरु पातशाह गुरु नानक साहिब जी ने गुरबाणी दे अंदर एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक तिन्ने तरह दे बखते जड़े वरते गए ने।
जिथे गुरु अमरदास महाराज के पावन बचन असी होर थां भी पढ़ते हाँ, ए मन प्यारे आ तू सदा सच संभाले, बड़े प्यार दे नाल अपने मन नूं मुखातब करके उपदेश देना ये उत्तम वक्ता हुंदा है। इत्थे भी सतगुरु पातशाह ने मन नूं मुख रख के उपदेश दिता, ए मन मेरे आ आवागौण संसार है। उत्तम वक्ते दे नाल उपदेश कर रहे हन। दूसरे नंबर ते गुरबाणी दे अंदर जदों सिद्धां नाल सतगुरां दीआं गोष्टियां होईआं, उत्थे सिद्धां ने गुरु नानक साहिब जी दे उपर बखो बखरे सवाल कीते ने। कदे दो सिद्ध आंदे ने, कदे चार कट्ठे होके आ जांदे, जदों फिर सकस्त झोली पैंदी फिर अठ जाने कट्ठे होके आ जांदे। उन्हां अकले कले सिद्धां नूं गुरु नानक साहिब जी ने नाम लैके भी उन्हां नूं उपदेश दिते ने। जिहड़ा इस तरह गुरबाणी दे अंदर नाम लैके उपदेश देना, सज्जन ठग नूं सतगुरु पातशाह ने कह दिता सी, सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथै लेखा मंगिया तिथै खड़े दसन। बड़े गुरबाणी दे अंदर शब्द ने जो गुरमुखां दे परथाए उच्चारण किए तो उन्हों का जीवन पलट के गुरु नानक साहब ने रख दिता। जिथे गुरबाणी अंदर किसी का नाम लैके संबोधन किया गया उत्थे माध्यम बगता है गुरबाणी विच। तीसरे नंबर ते जदों कोई जीव ना गुरु के दरसाए मार्ग ते चले फिर उन्हों ताड़ के भी गुरबाणी उपदेश दिंदी है। भगत कबीर साहिब दे बचन गौड़ी राग विच पढ़ दे, रे जी नलाज लाज तुहे नाही। नलाज दा अर्थ पता भी बेशर्म नूं कहिंदे ने। कबीर साहिब कहिंदे जीव तू इन्ना बेशर्म हो गया, तैनू लाज लज्जा शर्म ही नहीं आउंदी है। उत्थे ताड़ के उपदेश दिता, उत्थे कनिष्ठ भगता भी गुरबाणी विच वरत्या है, क्योंकि गुरबाणी साड़ी माता है, गुरबाणी साड़ा पिता है। तुम मात पिता हम बारक तेरे, माता अपने पुत्र नूं बहुत प्यार दे नाल मिठे बचना विच समझाउंदी भी पुत्र इस तरह आ नहीं करना, तेरी जिंदगी सुखदाई बन जाएगी। पुत्र जे माता दे कहे ते ना चलना करे फिर माता उस नूं कुछ सख्त बचन करदी है। पुत्र जे हुण तू इस तरह कीता फिर वेखी तेरे नाल की होवेगा। जे बच्चा पुत्र फिर भी नहीं समझदा ते फिर माता उन्हूं ताड़दी घूरदी है, बड़े सख्त बचना दे नाल उन्हूं समझांदी, तिन्ने थावां ते बच्चे दा भला सोचदी है जो माता है। गुरबाणी भी बड़े प्यार नाल समझांदी है, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। कदे सतगुरु पातशाह फिर जदों वेखदे भी जीव इन्ने नाल समझण वाला नहीं, इहदा भला करना है जीव दा, उहनूं ताड़ के घूर के भी उपदेश सतगुरु करदे ने। तिन्ना थावां ते तिन्ना वक्तियां द्वारा साडा सतगुरु पातशाह ने भला कीता है। इसलिए इत्थे जिहड़े शब्द वरते ने इह उत्तम वक्ते दे द्वारा गुरु अमरदास महाराज जी दे बचन हन। ए मन मेरे आ आवागौण संसार है। हे मेरे प्यारे मना, ये जिहड़ा संसार तू वेखदा, संसार जिहड़ा ये संस्कृत का शब्द है, इहदा अर्थ विद्वाना ने किया जिहड़ा प्रणाम भाव नूं प्राप्त होवे। प्रणाम भाव हुंदा जिहड़ा बदलदा रहे, अज होर है, कल नूं होर रूप बन जाना, परसों नूं कुछ होर हो जाना। अज तो 5 साल मगर झाती मारीए संसार किन्ना बदल गया, 10 साल मगर वेख लो किन्नी तब्दीली आ गई, 20, 50, 100 साल जदों मगर नज़र मारांगे फिर पता लगेगा भी संसार जिहड़ा ये सचमुच ही बदल जाण वाला है। ये संसार ऐसा है सतगुरु पातशाह कहिंदे आवागौण,
आवा नाम हुंदा आउण दा जन्म लेके जीव आई जांदे ने, गौण हुंदा गवन कर जाना चले जाना। किन्ने लोग आउंदे ने किन्ने तुरी जांदे ने, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लमे। ना संसार सदा स्थिर रहना है, ना संसार दे जीवां ने सदा स्थाई रूप दे विच रहना। इत्थे कोई ना रिहा ते ना रहेगा। एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया ना बाती। एक शिव पए एक गए, एक फेर पए राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ऋषियां मुनियां अवतारा ने संसार तो कूच कर जाना कीता, वो भी शरीर करके सदा नहीं रहे। बाकी जेड़ियां कुछ चीजां जीव ने साक्षी रूप दे विच मन्नियां ने, तारे जेड़े ने इनू स्थिर मन्नी बैठा जीव, चंद्रमा कहिंदा दुनिया रहेगी उन्नी देर रहना करेगा, सूरज है ये बड़ा अटल है लंबी उम्रा तक इन्हें रहना। सतगुरु पातशाह महाराज की जदों गुरबाणी नूं असीं पढ़ीए तां सतगुरु पातशाह कहिंदे दैन रब चलै निस सस चलै, तारका लख पलोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। ना दिन का जेड़ा सूरज रहेगा, ना रात्रि का दीवा चंद्रमा रहना। लखां तारे पलोए छुप जाणगे, असल विच इको एक परमात्मा ही स्थिर रहना है। जिसनू एक ओंकार कहा, सह भंग सुते प्रकाश जी नू कहा, वो परमेश्वर तो बिना बाकी जिन्ना संसार है, हे मेरे प्यारे मना ये तां आवा गौण आउण जाण वाला है। फरीदा किथे तैडे मापिया, जिन्नी तू जने ओहे, तैं पासो ओए लद गए तू अजय ना पतिनोहे। माता पिता दादे पड़दादे संसार तो हो करके चले गए गुजर चुके ने, एक दिन मना तू भी तुर जाना है। वैराग पैदा करदे ने मन दे अंदर, मना तू इस संसार अंदर सुरत ना जोड़, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੰਕਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। प्यार विच आके सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे प्यारे मना, ये जेड़ा संसार है ये तां आउण जाण वाला सदा स्थिर रहण वाला नहीं है। अंत सच नबेड़ा राम, जेकर तू अंतले समय इस संसार दा सच्चा नबेड़ा करना चाहना तां राम रमे हुए परमात्मा दे सच्चे नाम नूं जप लै। नाम दी कमाई करके ही अंदर ज्ञान दी स्थिति हुंदी, नाम दे प्रकाश करके ही संसार जेड़ा ए प्रणाम भाव वाला सानू दिसदा है। जिन्नी देर नाम पल्ले विच नहीं उन्नी देर दुनिया सच्ची लगदी है। संसार सच्चा प्रतीत हुंदा साचे को बनायो तां ते साचो ही सुहायो है। गुरबाणी अंदर बचन असी पढ़ते, एह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास उदा अर्थ की है, ए सच्ची कोठड़ी नहीं, ए सच्चे परमात्मा दी बनाई हुई कोठड़ी है। सच्चे ने बनाई है इसलिए सच्ची दिसदी है। ए संसार सच्चा नहीं, करता पुरख परमात्मा बनाण वाला सच्चा है। अंत सच नवेड़ा राम, जे तू राम रमे हुए परमात्मा दे नाम नू सच्चे नाम नू जप लवे, तेरा आउण जाण दा जम्मण मरण दा परमेश्वर दा नाम ओ नवेड़ा कर देवेगा। बार बार तेनू जूना विच पै के जन्म नहीं लैने पैने, बार बार उमरां नू भोग करके तेनू मरना नहीं पवेगा। सच्चे परमात्मा दा नाम जप के जम्मण मरण तो नवेड़ा हुंदा है।
आपे सच्चा बखस लए। ओ सच्चा जेड़ा परमात्मा त्रई काल अवाद अत्वंग सतत्वंग जी नूं कहा है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओ अकाल पुरख परमात्मा आप सच्चा है, बख्श लए जे सच्चा मालक चाहे किसे जीव ते तरस करके उन्हों बख्शना करे। इथे परमात्मा दे दर दे उपर बहुते मेरा मालक जाप नहीं वेखदा, बहुते ताप नहीं वेखदा, बहुते साधन नहीं वेखदा, बहुतियां कमाइयां नहीं वेखदा। सेव ना मिलियो काल ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। जाप भी करने सिख ने, ताप भी करने, सेवा भी करनी, सिमरन भी करना, भगती भी करनी, सब कुछ करके कह देना कि महाराज जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। फिर की होवेगा, उस सच्चा परमात्मा आप तेरी भावना वेख के तेनू निरहंकार ते निम्रता वाला वेख के तेनू बख्श लवेगा। करना सब कुछ है सिख ने, सब कुछ करके कहना मैं कीता ही कख नहीं है, ऐसी किते अंदर भावना बन जावे, वो सच्चा परमात्मा वाहिगुरु आप ही जीव नू बख्श लैंदा, स्वरूप रूप खजाने विच पा लैंदा है। फिर होए ना फेरा राम। जेड़ा परमेश्वर वाहिगुरु जन्म मरण तो रहत है, जीवां दियां जूना कटन वाला है, जिन्हों बख्श के अपने स्वरूप विच अभेद कर लिया, फिर होए ना फेरा राम। राम हे भाई उस जीव दा मुड़ करके फिर फेरा जम्मन मरण दा चक्कर नहीं आउंदा। परमेश्वर दे विच अभेद हो गया, हर का सेवक हर ही जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। जिन्ना ना बिसरै नाम से कनेहिया, भेद ना जानो मूल साई जेहिया। हर हर जन दोई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। जिन्हां दी भावना वेख के मालक ने अपने स्वरूप खजाने विच पा के बख्श लिया, उन्हां दा मुड़ करके जम्मन मरण दा फेरा चक्कर नहीं पैंदा। फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। जिन्हां दा मालक ने अंतले समय सच्चा नाम दे के सच्चे नाम विच सुरत जोड़ करके उस नूं अपने स्वरूप दी अभेदता दे दित्ती, फिर होए ना फेरा मुड़ करके उदा माता दे उदर विच आके दुबारे जन्म नहीं हुंदा। जन्मंग ता मरनंग, जे जन्म है ता नाल मरना भी है, जे दुनिया दे सुख दिते ने ते नाल दुख भी ने, दिन है ते रात भी नाल बनी है, इसलिए जे जन्म ही खत्म हो गया फिर मुड़ करके मरना किवें होवेगा। फिर होए ना फेरा अंत सच नवेड़ा। जिन्हां दा सच्चे नाम करके सच्चे परमात्मा ने आप जमना मरना नवेड़ दिता, धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा, फिर उन्हां दा मुड़ करके फेरा चक्कर नहीं हुंदा, जूना विच नहीं आउणा पैंदा। गुरमुख मिलै वडियाई। ये जेड़ियां ऐसियां वडियाईयां ने मालक विच अभेदता पा लैणी, उहदे सरूप विच एकता पा के जम्मण मरण तों रहत हो जाणा, इह तां गुरमुखां नूं वडियाईयां मिलदियां ने। जेड़े गुरु दे एक एक बचन ते आस्तिक भावना रखदे ने, शरदा नाल एक एक बचन नूं कमाण दा जतन करदे ने, उन्हां दी झोली अंदर ये सारियां दातां सतगुरु पा दिंदे ने। वह गुरमुख कहे जांदे जिन्हां नूं मालक परमात्मा बख्श लैंदा, वह गुरमुख जिहड़ा बख्शिया गया वह दुनिया दे अंदर रहिंदा होया भी उहदे भाणे विच है, जिहड़ा भाणे विच आ गया सतगुरु कहिंदे गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जो गुरमुख करै साई भगत होवै। गुरमुख दा हसना भी प्रवान, गुरमुख दा रोना भी प्रवान, उहदा देखना भी प्रवान, सौना ते जागना भी प्रवान है। गुरु दी रजा ते चलण वाले जिहड़े गुरमुख हन,
उन्हां नूं भाई ऐसियां सच्चियां वडियाईयां मालक तों मिलदियां ने। वडियाई किहड़ी भी लखां लोग मगर तुर पे उठ करके ऐसियां फोकियां वडियाईयां दुनिया दियां गुरमुख नहीं रखदा। ओह कहिंदा जे वडियाई लैणी परमात्मा दे दर दी मैनूं वडियाई मिले ओह वडियाई है ब्रह्म ज्ञान दी प्राप्ती दी वडियाई। परमेश्वर जी मैनूं ऐसा ज्ञान दिओ तेरे तो बिना मैनू दूसरा कोई नजर ही ना पवे। मालक दे सरूप दे अंदर एकता दी जेड़ी वडियाई ए गुरमुखां नू मिलदी है। इसलिए सतगुरु पातशाह जी कहिंदे उन्हां गुरमुख प्यारियां नू परमेश्वर ने अपनी अभेदता दियां ब्रह्म ज्ञान दियां आत्मा परमात्मा दी एकता दियां सारियां वडियाईयां दे दित्तियां हन। ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਮਾਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਰੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ। सहजे का अर्थ निर्जतन, बहुते जतन करन दी लोड़ नहीं पैंदी भी पुठे लमको इन्ना चिर, आ फलाना आसन ला के इन्ना चिर बैठो, इन्ना चिर इत्थे ध्यान रखो जी, इन्ना चिर इत्थे ध्यान रख के बैठो। जे एक परमात्मा दे नाम विच मन रंगिया गया सहजे माते निर्जतन ही परमात्मा दे अंदर जीव माते मस्त हो जाता है। लोरा चढ़ जांदियां नाम दियां रंबियां नल पुठियां खलां भी क्यों ना लै जान वह रंग नहीं लैंदा है। बंद बंद भी कट के दो टोकरियां विच रख दिता जावे सुखमणी दियां आवाजां धुनां बंद नहीं हुंदियां। खोपड़ भी लै जा